झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल वाली गठबंधन की सरकार बनी है। पूर्व की रघुवर दास सरकार के विपरीत झारखंड की वर्तमान सरकार के सबसे बड़े घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अपना खुद का बहुमत नहीं है, लिहाजा इस दल के बड़े नेताओं का ज्यादातर वक्त गठबंधन के अन्य घटक दलों के नेताओं के बीच संतुलन बिठाने में ज्यादा जाएगा। लेकिन इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अपनी अवैध कमाई के लिए लोगों को पार्टी की धौंस दिखाकर चंदा वसूलने में जुट गए हैं। पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता स्टीफन मरांडी ने दुमका में पूर्व में पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन के नेतृत्व में पार्टी के विधायकों, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के बेखौफ होकर अवैध कमाई में जुट जाने से पार्टी की छवि खराब होने का मुद्दा उठाया था। वहीं पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन ने कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी थी, लेकिन इससे पार्टी कार्यकर्ताओं के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। अब ये कार्यकर्ता दुमका में होने वाली JMM के स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर बैरिकेटिंग कर रास्ते से गुजरने वाले वाहनों को रोककर वसूली करने लगे हैं। खुद JMM के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष स्टीफन मरांडी को यात्रा के दौरान ऐसे बैरिकेटिंग मिले जिनको उन्होंने हटवा दिया ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की छवि खराब होने से बच जाए। दादा, 2 फरवरी का कैसा तैयारी होगा इस बार? चूंकि 2 फरवरी में बहुत उत्साह लोगों का है और हमने तैयारी समिति में अपना ओपिनियन बिल्कुल साफ किया था कि इस पावर में आकर के अति उत्साहित होकर के हम ऐसा अप्रिय चीजें ना करें जो जनता को नागवार लगे, जो प्राय होता है पावर में आने के बाद। हमने बिल्कुल चेतावनी दे रखा है अपने कार्यकर्ता को और हम भी एरिया में घूम रहे हैं, कल भी हम आज भी हम प्रोग्राम लिए हुए हैं कि भाई आप लोग हिसाब से किसी भी तरह से यहाँ की जनता को आपके कोई गतिविधि से तकलीफ नहीं हो। आंदोलन के क्रम में जो कुछ पैसे के अभाव में हमने देखा है, भारतीय जनता पार्टी को हराकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार बनने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, मंत्री और अन्य नेतागण किस प्रकार से अपनी कमाई करेंगे ये तो वे जाने, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ने अपनी कमाई का जरिया ढूंढ लिया है। स्थापना दिवस को लेकर कई जगह पर उन लोगों ने बैरिकेडिंग लगाकर लोगों से वसूली प्रारंभ कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता तक यह बात फैली तो उन्होंने इसे संज्ञान में लिया है और ऐसा कार्यकर्ता को न करने की हिदायत दी है। हालांकि पूर्व में भी हिदायत दी थी लेकिन तब भी नहीं माना था। ऐसे में भविष्य में अभी तो ये छोटा स्तर पर हो रहा है, कहीं बड़े स्तर पर होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए परेशानी का एक बड़ा सबब बन जाएगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।